हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम पांडे और आज मैं आपको एक फनी ऐड के बारे में बताने वाली हूं जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। ये ऐड सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस ऐड में दो कैरेक्टर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इस ऐड पर अभी बवाल भी होने लगा है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि लोग राहुल गांधी का कितना मजाक उड़ाते हैं, उनके बयान का मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते रहते हैं। अब उन पर ऐसा एक फनी ऐड बना दिया गया है। ये ऐड स्टोरिया फूड का है जो कि अब बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अब कांग्रेस का कहना है कि राहुल और सोनिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस ऐड को लेकर बहुत ही हंगामा हुआ है। इस ऐड को स्टोरिया कंपनी ने अपने यूट्यूब से भी हटा दिया है। फिर भी अगर आपने ये ऐड नहीं देखा है तो मैं आपको ये ऐड दिखा देती हूँ। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा। उसे मशीन नहीं, गाय कहते हैं। दोस्तों, अब ऐसा ऐड क्यों बना है इसके बारे में आपको बताती हूँ। आपको याद होगा शायद, एक चुनाव रैली में राहुल गांधी ने आलू के किसानों को कहा था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या करना है। ये मेरे नहीं, नरेंद्र मोदी के शब्द है। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो गए थे और अब सेम ऐड भी बना दिया गया है। इस ऐड में कॉमेडियन संकेत भोसले हैं जो कि सफ़ेद कुर्ते और काली सदरी पहने हुए राहुल गांधी की मिमिक्री करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक साइड से घास डालोगे तो दूसरी साइड से दूध निकलेगा। सोनिया गांधी की मिमिक्री एक एक्ट्रेस कर रही है और वो कहती है कि उसे मसीह नहीं गाए गए थे। इस एड में राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश साफ दिख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टोरिया फूड्स के ऑफिस में जमकर हंगामा किया है और तोड़फोड़ भी किया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये हंगामा करने वाले लोग बिना मास्क पहने हंगामा कर रहे थे। कुछ लोगों को स्टोरिया फूड्स का एड पसंद नहीं आया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वायरल न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ऐड कैसा लगा है।